खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट रोड ग्वालियर। धर्मस्थल संरक्षण समिति द्वारा फूलबाग स्थित मानस भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। यह पत्रकार वार्ता संतों की समाधि एवं मंदिर भूमि पर हो रहे भूमि पूजन कार्य को जिला कलेक्टर तत्काल रोके इसको लेकर की गई। इस वार्ता में भाजपा नेता अनूप मिश्रा, रमेश अग्रवाल, श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज, स्वामी राम सेवक दास, श्री महंत देवीदास, ढोली बुआ महाराज सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो कभी बड़ी गंगाशाला का मामला सामने आया, कभी नूरगंज की शाला, सरयूदास जी की शाला का मामला आया। तो कई दिनों से ये चीजें चल रही थी और दिमाग में उथल पुथल हो रही, चर्चा हुई सभी संतों से, निवेदन किया और संतों का आदेश हुआ कि अगर समाज इस काम में लगता है, क्योंकि ये समाज की छाती है, ये हम अपनी छाती पर रखकर नहीं ले जाएंगे, ये समाज का स्थान है, और इसलिए अगर ये होता है तो बहुत अच्छा है। तो निर्णय हुआ कि धर्म स्थल संरक्षण समिति बनाई जाए, जिसके अध्यक्ष परम सद्य ददुरा धाम के महंत और अब मध्य प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष आदरणीय रामदास जी महाराज अध्यक्ष हो, बड़ी गंगाशाला के आदरणीय सचिव हो, बाकी कमेटी इसके बाद बनते हुए इस कार्यक्रम के तहत इस स्थिति को आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ। सरयूदास की शाला रमटापुरा से मामला शुरू होता है और थाटीपुर तक पहुंचता है, वो धर्मस्थ की जगह व्यक्ति की नहीं, अगर कायदे से माने तो सरयूदास की है, और उस समय 1857 के पहले से उस समय राजा का काम होता था मठ मंदिरों की व्यवस्था करना और उसके तहत जमीन को लगाना, ताकि मठ मंदिरों की व्यवस्था चलती रहे सुचारू रूप से। देखिए, ये स्थान सरयूदास की शाला का स्थान, जो बड़ी गंगाला के बड़ी गंगादास जी की शाला के साथ आ गई, और इस पर बार बार कई सालों से अतिक्रमण हो रहे थे। 2011 में रामदास जी महाराज महंत ददरुआ सरकार को इसके निमित्त महंती सौंपी गई, उन्होंने भी बार बार सब लोगों से कहा, मैं मुझसे ही नहीं, चाहे नरेंद्र सिंह जी गए हों या जो भी गया हो, कि वहाँ के स्थान का अतिक्रमण हटवाएं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण किया था, सने सने वो अतिक्रमण हटा, लेकिन उसमें कहीं एक न्यास बना दिया गया जो संतों की मर्जी के बिना बनाया गया। यही न्यास अगर संतों से पूछ के बनाते तो शायद संत इसका विरोध नहीं करते, हम उसके विरोध के लिए खड़े हुए हैं संतों के साथ और संतों के निर्देशन पर हमने, और यही बिंदु नहीं रहेगा, अब बिंदु हर वो आएगा कि संभाग में कम से कम और फिर प्रदेश में जहाँ जहाँ धर्मस्थ की जगह पर लोगों ने कब्जा किया है या मंदिरों के पट नहीं खुलने दे रहे हैं, उनको भी खुलवाने का काम यह संघर्ष समिति अनवरत करती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। आज ये अभी कार्यक्रम निरस्त हुआ है, अभी अभी मेरे पास सूचना आई है, क्योंकि हम 14 को आंदोलन करने जा रहे थे, वो शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे थे और हम अखंड रामधुन का कार्यक्रम कर रहे थे और 5000 लोगों के साथ कर रहे थे, उसमें 2000 साधु संत थे, 2 से 2500 हमारे अपने लोग थे, जो समाज के विभिन्न अंग उसमें पूरी ताकत के साथ आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगा होगा कि विवाद की स्थिति है, प्रशासन ने तय किया और उन्होंने तत्काल इसको निरस्त किया है, हम उनको बधाई देते हैं, लेकिन आगे भी या आग्रह भी करते हैं कि प्रशासन संतों के द्वारा सुझाई गई, संतों के द्वारा निर्मित, जिसमें संत ही हों, मैं गृहस्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, संत ही हों, उनको उसमें रखा जाए,
ताकि उनके हिसाब से राम जानकी मंदिर का निर्माण या जो भी कलेक्टर से लेके बाकी सब लोगों ने निर्णय किया है उस दिशा में हम उसे आगे बढ़ाने का काम कर सकें।